बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो लेक्चर है बीएससी पार्ट वन यानी थर्ड ईयर में मैकेनिक्स का जो पोर्शन है फिजिक्स का, उसके लिए है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्रेविटेशन। और आज हमारा ग्रेविटेशन में जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ स्फेरिकल शेल एंड अ पॉइंट मास स्मॉल एम। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू शेल ऑन अ पॉइंट मास। शेल से मुराद है कि स्फेरिकल शेल है। बेसिकली शेल का मतलब होता है खोल, जो अंदर से खाली हो। और स्फेरिकल का मतलब है सफेयर की तरह का होगा, यानी फुटबॉल। सामने आपको एक फुटबॉल की तरह का एक सफेयर नज़र आ रहा है। आप इमेजिन करें ये फुटबॉल ही है। और बाहर एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट पी। यहाँ पर एक मास है एम। इस छोटे मास के ऊपर इस पूरे बड़े स्फेरिकल शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने उसका फॉर्मूला बनाना है। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको आपने बड़े गौर से, क्योंकि इसमें बड़ी लेंथी सी कैलकुलेशन है, तो चीज़ों को काफ़ी देर तक याद रखना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्फेरिकल शेल की। इसमें आप देखें, आपको एक तो इसकी नज़र आ रही है जी थिकनेस नज़र आ रही है आपको एक इसकी। ये इसकी जो थिकनेस है यानी इसकी जो लेयर है, उसकी जो मोटाई है, उसको हम नाम दे देते हैं टी का। थिकनेस क्या है इसकी? टी। और इस स्फेरिकल शेल यानी इस पूरे स्फेयर का जो रेडियस है, उसको हमने कैपिटल आर से जाहिर किया हुआ है। और इसी तरह से इसका जो टोटल मास होगा उसको कैपिटल एम से जाहिर किया हुआ है। यह आपको शुरू वाले पैराग्राफ में कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र भी आएंगी। कंसिडर अ यूनिफॉर्म डेंस हॉलो शेल हैविंग मास कैपिटल एम, थिकनेस को टी से जाहिर किया, रेडियस ऑफ शेल को कैपिटल आर से, और फर्ज करें इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। डेंसिटी का मतलब आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और बाहर पॉइंट पी पर एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है, स्मॉल एम। अच्छा, अब ये जो स्मॉल एम है, इसका स्फेरिकल शेल के सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर का नाम दिया गया है, स्मॉल आर। ठीक हो गया। तो ये है जी सिचुएशन। अच्छा, अब करना ये है कि पूरे शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम इस पूरे शेल को स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं। स्लाइसेस का मतलब ये है, जैसे आप क्या एग्जांपल देनी चाहिए, जैसे आप ब्रेड के स्लाइसेस नहीं देखते, ब्रेड के स्लाइसेस बने होते हैं, इसी तरह फर्ज करें कि ये पूरा जो फुटबॉल है इसको ऐसे ही सीधे स्लाइसेस में आपने डिवाइड कर दिया। उसमें से एक स्लाइस जी, आवाज आ रही है मेरी?
जी सर। आ रही है। सर ओके चलें, अपने माइक ऑफ रखिएगा, मुझे लगता है आज सिग्नल्स का थोड़ा इशू है, तो इसलिए यू शुड बी अ बिट केयरफुल। अच्छा, इसमें जो काफ़ी सारे स्लाइसेस मैं बात जिनकी कर रहा था उसमें हमने इनको डिवाइड किया है पूरे शेल को, उनमें से एक स्लाइस को अगर हम इमेजिन करें तो वो स्लाइस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसको मैं अभी अभी थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें, ये वाला जो स्लाइस है, ये बेसिकली एक पूरी आप समझ लें कि रिंग बन जाएगी। रिंग तो आप जानते हैं, यानी असल में ये पूरी रिंग इस तरह से है, दोनों तरफ से आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो डायग्राम बुक में बनी हुई है उसमें सिर्फ एक तरफ से दिखाया गया है। अभी मैं देखें इसको मिटा रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक तरफ से हमें पूरी डिस्क जो है या रिंग वो नज़र आ रही है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि हमने फुटबॉल को काफ़ी सारे स्लाइसेस में डिवाइड किया, हर स्लाइस जो है वो एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा, उसमें से एक रिंग को हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, और उस रिंग को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। मैं इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से, ये देखें, ये है वो रिंग। अच्छा जी, अब इस रिंग के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस रिंग में क्या कुछ कैसे कैसे है। सबसे पहले आप देखें, इस रिंग का एक किनारा स्टार्टिंग है और दूसरा एंड है। जो स्टार्टिंग एज है, आप फर्ज कर लें, ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है उसे थीटा का नाम दे दिया, और ये जो रिंग है इसकी जो विड्थ है, इस विड्थ का दूसरा किनारा अगर देखा जाए, यानी ये, तो इनका फर्दर जो आपस में एंगल है वो है डी थीटा। क्या है? डी थीटा। आपको इन दोनों एंगल्स की समझ आ गई है? कैपेसिटी ओके, मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि इसमें पूरी जो रिंग थी उसकी कोई ना कोई विड्थ भी है, यानी उसकी कोई ना कोई चौड़ाई भी है। उस चौड़ाई को मैंने दो कॉर्नर्स में डिवाइड किया, एक उसका स्टार्ट यहाँ से है और दूसरा एंड उसका यहाँ से है, यानी इतनी चौड़ी ये रिंग है। ठीक है, अब इस रिंग का अगर मैं देखूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसका जो एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है, यानी ये वाला एंगल, उसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को थीटा का नाम दे दिया। अब इन दोनों लाइंस का जो आपस में एंगल बन रहा है, यानी एक ये जो मैंने अभी अभी लाइन ड्रॉ की और दूसरा ये जो अभी अभी दोबारा मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पहली वाली लाइन के ऊपर, इनके दरमियान जो आपस में एंगल बन रहा है वो है डी थीटा। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का पता चल गया? दी जरा बताएं। जी सर, पता लग गया। सर वैसे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, वो अटेंडेंस वाली आई। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं वैसे यहाँ पे तो शो हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास एक, मैं बताता हूँ आपको, ये रिंग जो है इसका ये दूसरा हिस्सा है, मतलब पिछली साइड, ये जो अभी अभी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूँ तो ये रिंग बजाते खुद एक सर्कल है, ऐसा ही है ना? और इस रिंग या इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, और उसके रेडियस को अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो कुछ ये वाला डिस्टेंस होगा ना? आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
ये क्या होगा, ये जो ब्लू कलर की अभी अभी लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। ये बात समझ आ रही है सबको या नहीं? ब्लू लाइन ही शो नहीं हो रही, किसी को भी शो नहीं हो रही। जी बेटा, किसी को शो हुई है? ओके चले, मैं लेक्चर इसी तरह रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, आप सुनते जाएं, साथ साथ मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो अभी अभी मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ, दिस इज एक्चुअली रेडियस, रेडियस ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप ऐसे ही सुनते जाएं, आपको फिर ये लिंक मिल जाएगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर फर्दर कोई इशू होगा तो आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। तो ये जो लाइन है, ये है रेडियस ऑफ रिंग, ये इस रिंग का रेडियस है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ऐसा करना है कि इस रिंग के दोनों किनारों पे, अपोजिट साइड पे, एक हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड, और दूसरा हम कंसिडर कर लेते हैं ये नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड में ये वाला हिस्सा। अब इन दोनों छोटे छोटे हिस्सों को हम कोई नाम दे देते हैं। इनका ऊपर वाले का मैस है, फर्ज करें डी एम ए, और नीचे वाले इतने से हिस्से का जो मैस है, फर्ज करें वो है डी एम बी। नीचे वाले हिस्से को बी का नाम दे दिया, ऊपर वाले हिस्से को ए का। अब ए और बी पॉइंट पी से एक जैसे डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस है एक्स। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे ऊपर और नीचे जो नज़र आ रहा है, और ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, दोनों तरफ से, एक ये ऊपर वाला अल्फा और एक ये नीचे वाला अल्फा। इसी तरह अगर मैं रिंग की बात करूं, तो रिंग में जो हमने ब्लू लाइन लगाई थी, जिसको रेडियस ऑफ रिंग कहा जाता था या कहा था हमने, इसमें ये वाली जो इंक्लाइन लाइन है, जिसको मैं दोबारा से अभी अभी ओवर ड्रॉ कर रहा हूं, ये है रेडियस ऑफ स्फेयर। इसको कैपिटल आर से जाहिर किया जा सकता है। अब देखें, इसका एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है थीटा, तो आप कैपिटल आर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बनेगा आर कॉस थीटा। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। और इसका जो y कंपोनेंट है वो होगा r साइन थीटा, और यही r साइन थीटा असल में क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। तो ये हमने रिंग के रेडियस के बारे में कुछ बात कर ली। इसी तरह दोबारा से रिंग की मैं बात करने लगा हूँ, इस रिंग की जो विड्थ है या चौड़ाई, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा।
इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसकी चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है इसे आप एस कह सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगी? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और एंगल कितना है? एंगल है जी डी थीटा। तो इस तरह से ये वाली जो विड्थ है ये हमारे पास आ गई आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। तो ये भी डायग्राम में जो जो चीज़ें थीं वो हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह ये जो दो मैसेज हैं, एक ऊपर जो मैस है पॉइंट ए पे हमने फर्ज किया है छोटा सा मैस, और एक पॉइंट बी पे, यानी रिंग को हमने दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये दोनों जो मैसेज हैं छोटे छोटे मैसेज, ये पॉइंट पी पे पड़े हुए स्मॉल एम मैस के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, और इनमें से एक फोर्स है डी एफ ए और दूसरी फोर्स है डी एफ बी। इन दोनों फोर्सेस को हमने नाम दे दिया, एक को डी एफ ए कह दें और दूसरी को डी एफ बी कह दें। अब जाहिर बात है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। अब मैं डायग्राम को थोड़ा आसान करने के लिए मैं इन फोर्सेस को साइड पे यहाँ पे अलग अलग शो कर देता हूँ, और इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो था कुछ इस तरह, ये रिंग थी, इसकी विड्थ थी कोई ना कोई, और इस रिंग का हमने रेडियस भी बनाया था, और इसका रेडियस क्या था? ये वर्टिकल लाइन जिसे हमने कहा था आर साइन थीटा। यहाँ पे एंगल बन रहा था एक्स एक्सिस के साथ थीटा, और पॉइंट पी पे मैस था स्मॉल एम, और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस था ये वाला डिस्टेंस, इसको हमने स्मॉल आर से जाहिर किया हुआ है, और जो ऊपर वाला मैस था उसका जो पॉइंट ए पे मैस था इसका स्मॉल एम से जो डिस्टेंस है उसको हम जाहिर कर देते हैं एक्स के साथ। इसी तरह जो नीचे मैस है पॉइंट बी पे जो मैस है उसका भी स्मॉल एम के साथ उतना ही डिस्टेंस है, यानी एक्स। यहाँ पे और यहाँ पे सेम एंगल बन रहे थे अल्फा। तो ये थी हमारी थोड़ी सी डायग्राम। अब मैं ब्लैक कलर से मज़ीद डायग्राम बनाता हूँ। जो पॉइंट ए पे मैस था ये स्मॉल एम को अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरफ ये फोर्स लगा रहा है डी एफ ए, और पॉइंट बी पे जो मैस था वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो फोर्स लगा रहा है डी एफ बी। अब डी एफ ए और डी एफ बी इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इनमें से दो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे, उनको मैं दोबारा से अलग यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। पॉइंट पी पे मैस था स्मॉल एम, इस तरफ फोर्स लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, डी एफ ए यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, और एक ये वाली फोर्स थी डी एफ बी, और यहाँ पे एंगल बन रहा था सेम एंगल अल्फा। डी एफ ए और डी एफ बी को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इसका कंपोनेंट डी एफ ए का होगा इस तरफ, दूसरा होगा इस तरफ। इसी तरह डी एफ बी का भी एक कंपोनेंट ये ही होगा हॉरिजॉन्टल, और एक इस तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड।
DFA के दो कंपोनेंट्स, DFAX और दूसरा क्या है DFAY। इसी तरह DFB के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक DFBX और दूसरा DFBY। अब डायग्राम से भी हमें नज़र आ रहा है कि DFAY और DFBY ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इनके जो एक्स कंपोनेंट्स हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। वाई कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक्स कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में है। अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमने रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट की है, द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स। अब ये वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट कौन कौन से दो वर्टिकल कंपोनेंट्स को सम अप करके आएगा, एक डी एफ ए वाई और दूसरा डी एफ बी वाई। अब जो डी एफ ए वाई या बी वाई है इनके साथ क्या आएगा, साइन अल्फा। ये देखिए इसमें हम डी एफ ए वाई की जगह लिख सकते हैं डी एफ ए साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल होता है और उसके साथ साइन आता है। इसी तरह डी एफ बी वाई क्या होगा, डी एफ बी इंटू साइन ऑफ अल्फा। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कॉस थीटा आएगा, यानी डी एफ ए एक्स किसके इक्वल आएगा, डी एफ ए कॉस अल्फा। इसी तरह ये वाला भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ आएगा डी एफ बी कॉस अल्फा। तो ये था हमारे पास मैथमेटिकल स्टेप। अब इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक में से दूसरे को माइनस कर दिया। अब फर्ज करें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया, डी एफ ए साइन अल्फा और डी एफ बी साइन अल्फा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हम ये वाली फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैपिटल जी फर्स्ट मास एंड सेकंड मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉइंट ए और स्मॉल एम के दरमियान जो डिस्टेंस था वो एक्स था डायग्राम में, ये वाला डिस्टेंस। तो इस तरह से आपके पास ये बन गया। इसी तरह जी डी एम बी सेकंड मास एम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमने रिंग के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में एक जैसा मास फर्ज किया था तो इसलिए डी एम ए और डी एम बी बराबर हैं। जब आप डी एम बी की जगह भी डी एम ए पुट कर देंगे, यहाँ डी एम बी की जगह डी एम ए पुट कर दिया, तो फिर ये दोनों टर्म्स सेम हो गई, फिर ये कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब है रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पूरी रिंग के ऊपर जितने भी आप हिस्से कंसिडर करेंगे उनके जो अपोजिट साइड के वाई कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स चूंकि सेम डायरेक्शन में थे इसलिए इनके दरमियान प्लस आएगा, सिंपल आपने ऐड कर दिया। अब चूंकि रिंग के ऊपर बहुत सारे आप हिस्से कंसिडर कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ दो हिस्से कंसिडर किए थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। आप इसके चारों तरफ, रिंग के चारों तरफ आप मुख्तलिफ पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, तो इसलिए उन सब के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एड अप होंगे। इस तरह डी एफ ए एक्स, डी एफ बी एक्स, डी एफ सी एक्स, डी एफ डी एक्स अप टू सो ऑन। तो जब आप सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो मैथ्स वाला पार्ट है, ये अलग रह जाएगा और बाकी सारा कुछ कॉमन बाहर आ जाएगा। कैपिटल जी भी कॉमन, स्मॉल एम भी कॉमन, एक्स भी कॉमन, कॉस अल्फा भी कॉमन, ये सारा कुछ बाहर आ जाएगा, यानी जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और कॉस अल्फा, ये बाहर आ गया और अंदर हमारे पास सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का मैस आ गया, उनका सम। जब आप सारे छोटे छोटे मैसेज को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैस ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप,
सर्कुलर स्ट्रिप का टोटल मास। अब यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर मास किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब यहां पर हमने सर्कुलर स्ट्रिप की डेंसिटी लिखनी है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और हाइट, इन चारों चीजों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा साथ चलता आ रहा है। यहाँ डेंसिटी, लेंथ, वेट और थिकनेस या हाइट, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी पहली वाली डायग्राम के ऊपर। आप गौर करें, जब आप इस सर्कुलर स्ट्रिप को खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इसका सर्कमफेरेंस, सबसे पहले जो इसका सर्कमफेरेंस है वही इसकी लेंथ होगी। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। आप गौर करें, अगर ये थी सर्कुलर स्ट्रिप, ये पूरी है सर्कुलर स्ट्रिप, मैं इसको, ये इसका रेडियस था, इसका रेडियस था ये आर साइन ऑफ थीटा, इसकी जो विड्थ है वो थी r इंटू डी थीटा, और इसकी जो थिकनेस है जो हमने शुरू में लिखा था, स्फीयर की जो थिकनेस है उसको हमने t से जाहिर किया हुआ था। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मैं इस रिंग को किसी एक किनारे से ओपन करता हूँ और इसको सीधा कर देता हूँ। जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस शक्ल की हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है जिसे हम लेंथ कह रहे हैं, ये असल में क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2π मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और यहाँ रिंग का रेडियस कितना था, r साइन थीटा। इसी तरह इसकी जो चौड़ाई है विड्थ, वो बिल्कुल वही है जो यहाँ हमने r d थीटा की शक्ल में लिखी हुई है, और इसकी जो विड्थ है थिकनेस, ये जो इसकी थिकनेस है ये बिल्कुल वही है जो उस सफेयर की थिकनेस थी, और सफेयर की थिकनेस को हमने जाहिर किया हुआ था स्मॉल टी से। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब दोबारा आते हैं उसी साइड पे, यहाँ पर डेंसिटी वैसी की वैसी, लेंथ की जगह 2π r साइन थीटा, विड्थ की जगह r d थीटा, और थिकनेस की जगह t आ गया। इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमने अलग से इधर लिख दिया 2π g m rho t r स्क्वायर, कैपिटल R। कैपिटल R जो है ये रेडियस ऑफ स्फीयर का की वैल्यू है, उसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया। बाकी साइन थीटा, डी थीटा ये अलग, और कॉज अल्फा भी अलग, और स्मॉल एक्स भी अलग। तो आपके पास पूरा फॉर्मूला इस शक्ल में आ गया, इस शक्ल में। अब इसमें ये वाली जो टर्म है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, इसको स्मॉल के का नाम दे दिया। बाकी आपके पास जो फॉर्मूला है डीएफ का, ये असल में एक रिंग की वजह से लगने वाली फोर्स है, एक रिंग की वजह से जो फोर्स है वो ये है। अब ये रिंग की वजह से कहाँ फोर्स लग रही है, ये इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पड़े हुए मास के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने असल में कैलकुलेट की है इस फार्मूला में, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब इसमें हमने तो पूरे सफेयर की वजह से लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी थी, ये तो एक रिंग की वजह से फोर्स आई है। अब सफेयर के लिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम काफ़ी सारी इसी तरह की रिंग्स को इमेजिन करेंगे, हर एक की अलग अलग
पॉइंट पी पे ऊपर जो मास पड़ा हुआ है इस पे लगने वाली अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करेंगे और बाद में सबको ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने असल में इंटीग्रेट करना है। आप ये समझ लीजिए कि हमने रिंग को यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देना है और आपके पास टोटल जो है वो पूरे सफेयर की वजह से लगने वाली फोर्स आ जाएगी। अगर एक रिंग की वजह से लगने वाली फोर्स आ गई है तो इसमें सिर्फ हमने इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई करना है और पूरे सफेयर के एक कोने से दूसरे कोने तक लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हम कोई और रिंग इमेजिन करें, फर्ज करें मैं ये वाली रिंग इमेजिन करता हूँ जो यहाँ पर है, तो इस रिंग की वजह से कौन कौन सी वैल्यूज़ में तब्दीली आएगी। अब इसके ऊपर वाले किनारे और पॉइंट पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, यानी जिसे हम एक्स कह रहे थे अब एक्स की वैल्यू कोई और होगी। इसी तरह अल्फा जो है वो भी कोई और होगा, अल्फा भी कोई और होगा, एंगल थीटा जो है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी तीन वेरिएबल हमारे सामने आएंगे, एक्स, इसी तरह एंगल थीटा, इसी तरह एंगल अल्फा। यानी यहाँ अभी तक हम जिस शक्ल में इक्वेशन नंबर वन को लिख चुके हैं इसमें टोटल तीन वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है अल्फा, दूसरा वेरिएबल है थीटा और तीसरा वेरिएबल है एक्स। हम चाहते हैं कि हम इन वेरिएबल्स की जगह कुछ और पुट करें, क्योंकि तीन वेरिएबल्स को इकट्ठा सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम इन तीन वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में या किसी एक वेरिएबल की शक्ल में लिखना चाहते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैं ये एक बड़ी ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें एक साइड जो है वो आएगी कैपिटल आर वाली, दूसरी साइड आएगी स्मॉल आर वाली और तीसरी साइड आएगी एक्स वाली। ठीक है, ये मैं ट्रायंगल यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल बनी भी हुई है, मैंने दोबारा बना दी है। यहाँ पॉइंट पी था, ये था सेंटर ऑफ स्फीयर, ये है ऊपर वाला पॉइंट ए, ये वाला डिस्टेंस था रेडियस ऑफ स्फीयर, ये वाला एंगल था थीटा, ये वाला डिस्टेंस था स्मॉल आर से जाहिर किया हुआ था और ये वाला डिस्टेंस एक्स के साथ, और यहाँ जो एंगल बन रहा था दैट वाज अल्फा। अब यहाँ पर हम कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं, कोसाइन लॉ को हमने एंगल थीटा के मुताबिक जो है वो यूज़ किया है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आएगा, स्मॉल एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एक इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर फिर माइनस टू स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू कॉस अल्फा। ये कोसाइन लॉ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको एफएससी में ये कोसाइन लॉ बड़े अच्छे से याद होगा। तो यहाँ हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीअरेंज ये किया कि हमने आर, ये जो कॉस थीटा वाली टर्म है इसको इस तरफ ले गए और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को दूसरी तरफ ले गए और साथ ही टू स्मॉल आर से डिवाइड कर दिया, यानी आर कॉस थीटा की हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। अब राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है इस वक्त वो सिर्फ एक्स है, ये वेरिएबल है, बाकी सारा कुछ कॉन्स्टेंट है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल क्या है, थीटा। तो आपके पास कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, आर पहले से मौजूद है और साथ डी थीटा आ गया डिफरेंशियल। इसी तरह राइट हैंड साइड पे स्मॉल आर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल ज़ीरो, कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसका भी ज़ीरो। इसी तरह एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, टू एक्स और साथ नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है और साथ डी एक्स और डिवाइडेड बाई टू आर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, हमने साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू निकाल ली। अगर आप गौर करें ये बनेगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा था, माइनस टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय टू आर। तो नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया और कैपिटल आर दूसरी तरफ ले गए, टू टू से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बच गई,
साइन थीटा इंटू डी थीटा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर इंटू स्मॉल आर। ये हमारे पास एक साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, यही वाली जो ट्रायंगल है इसको मजीद राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। यानी यहाँ मैंने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर आप गौर करें पिछली डायग्राम में, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा था, और इतना डिस्टेंस जो है ये आर कॉस थीटा था। अब मैं असल में जो ट्रायंगल कंसीडर करना चाह रहा हूँ वो ये वाली ट्रायंगल है, जिसमें अल्फा एंगल मौजूद है। एंगल कौन सा है? अल्फा। यहाँ एंगल है अल्फा, ये स्मॉल m पड़ा हुआ है मास, इसका ये वाला डिस्टेंस x है। और अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, टोटल डिस्टेंस c से लेके p तक था स्मॉल r। उस टोटल डिस्टेंस में से r cos थीटा माइनस कर लें तो बाकी ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। इसका मतलब है ये डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल r माइनस कैपिटल r इंटू cos थीटा। अब इसमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये बेस है, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। यहाँ इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हमने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। अब कॉस अल्फा की वैल्यू और साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू, उसको हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है। कॉस अल्फा की वैल्यू और साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू, ठीक है। इसमें देखें k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको साइड पे लिख लिया, ये आ गया। ये वैल्यू आ गई कॉस अल्फा की और ये वैल्यू आ गई साइन थीटा इंटू डी थीटा की। इनको फिर रीअरेंज किया। इनको रीअरेंज करने के लिए आपने क्या किया जी, के को एक तरफ लिख लिया, नीचे एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये एक एक्स कैंसिल हो गया था ना, ये वाला एक्स कैंसिल हो गया था, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा यहाँ पे, और डी एक्स ये मौजूद है। अब एक और काम हमने ये किया कि r cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखें, जब हमने कोसाइन लॉ यूज़ किया था तो सबसे पहले r cos थीटा की वैल्यू निकाली थी। r cos थीटा की ये वाली वैल्यू दोबारा पुट कर दी यहाँ पे, r cos थीटा की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है, ये ऊपर से वैल्यू आई है। अब इसका आपने एलसीएम ले लिया, जब आप इसका एलसीएम लेंगे नीचे 2r आ जाएगा, यहाँ 2r का स्क्वायर आ गया। ये वाली टर्म वैसी की वैसी, बस बाहर नेगेटिव साइन था तो अंदर वाले साइन ऑपोजिट हो गए। फिर आपने क्या किया जी, आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर दिया और इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। इनमें से 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस होगा तो सिर्फ r स्क्वायर बच गया, और इसको कैंसिल करके 1 आ गया, वो यहाँ पर लिख दिया, और बाकी आपके पास ये आ गया, बाहर सारा कुछ वही था, ये बन गया। अब इसमें आप गौर करें कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है इस वक्त हमारे पास, और वो वेरिएबल है एक्स। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक्स के मुताबिक लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप गौर करें जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, आप गौर करें जो लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक जाएंगी। ये हमारी पहली डायग्राम है। इनिशियल लिमिट होगी ये वाला पॉइंट, मैं अब किस कलर में बताऊं, ऑरेंज कलर में कोशिश करते हैं। इनिशियल जो लिमिट है वो ये वाला पॉइंट है और फाइनल लिमिट ये वाला पॉइंट है। इनिशियल लिमिट देखें यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और अपर लिमिट या फाइनल लिमिट है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर।
ये आप देखिएगा जरा गौर से, ये वाली जो लिमिट है ना, ये होगी, ये देखिए टोटल डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये वाला जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला टोटल डिस्टेंस, ये स्मॉल आर है। इसके अंदर से अगर हम रेडियस ऑफ स्फीयर इतना डिस्टेंस निकाल दें तो बाकी ये वाला डिस्टेंस बचेगा, यानी ये आएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। इसी तरह अगर स्मॉल आर में ये वाला डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर ऐड कर दिया जाए तो ये लिमिट आएगी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो एक लिमिट में से, एक लिमिट से शुरू करके दूसरी लिमिट तक हमने जाना है और सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देखें इंटेग्रल में यहाँ वन है, ये डी एक्स है, इसकी जगह जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इस पे पावर फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर माइनस वन, और साथ नीचे भी माइनस वन आ गया, वो यहाँ आके माइनस हो गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह माइनस ये कॉमन है यहाँ पे, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो स्मॉल आर कैंसिल हो गया, आपके पास टू कैपिटल आर बच गया। फिर क्या हुआ जी, आपके पास इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये वैसे का वैसा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखा था ये मल्टीप्लाई हो गए, ये पावर नीचे गई प्लस हो गई, ये पावर भी नीचे गई प्लस हो गई। अब एक ये इससे कैंसिल हो गया, ये एक इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपके पास एक ये टर्म आ गई प्लस ये टर्म आ गई, इन दोनों को भी आप सॉल्व करेंगे, स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी टू कैपिटल आर बच गया, टोटल फोर कैपिटल आर हमारे पास आ गया। तो ये बन गया इस तरह से, फोर इंटू कैपिटल आर, इनमें से ऊपर टू बच गया और कैपिटल आर भी कैंसिल हो गया। अब क्या किया जी, के की दोबारा जो वैल्यू हमने वहाँ पे सपोज की थी इससे पहले, उसको दोबारा यहाँ पे पुट कर दिया, ये के की वैल्यू हमने पीछे सपोज की थी, यहाँ पर दोबारा कैंसलेशन हो जाएगी। ये देखिए जी एम इस तरह आ गया, बाकी सारा कुछ मल्टीप्लाई करके ये बन गया और नीचे स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आप गौर करें ये क्या चीज़ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस, टी किसके इक्वल है, थिकनेस के, और क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या मुराद है ये मैं अभी बता देता हूँ, डेंसिटी ये है, देखें 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो है ना असल में हमने स्फेयर फर्ज किया था ना, ये स्फेयर फर्ज किया था ऐसा, और उस स्फेयर की कोई ना कोई थिकनेस भी थी। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें थिकनेस के साथ तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम। सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको अगर आप थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से मास किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब मास को कैपिटल एम से हमने जाहिर किया हुआ था, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। इसका मतलब है इस सारे की जगह हम कैपिटल एम पुट कर देंगे, ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा। तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आ गया जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा हुआ है, और इस फॉर्मूला की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फील हो रहा है, देखें ये डिस्टेंस नीचे कौन सा है, ये स्फेरिकल शेल के सेंटर से लेके बाहर जो पॉइंट पी था उस तक का डिस्टेंस है। आप गौर करें,
स्मॉल आर क्या है? सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो शेल है ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे सारा का सारा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लिया जा रहा है। सही है, फ्रॉम सेंटर। अगर यही जो बाहर मास पड़ा हुआ था यहाँ पे, स्मॉल एम जो बाहर मास पड़ा हुआ था, मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो बाहर मास पड़ा हुआ था स्मॉल एम, ये वाला मास, अगर ये मास सरफेस के ऊपर पड़ा होगा तो फिर जो डिस्टेंस है उसकी जगह रेडियस ऑफ स्फेयर आ जाएगा। अगर ये सरफेस के ऊपर पड़ा होगा तो फिर डिस्टेंस की जगह रेडियस ऑफ स्फेयर आ जाएगा, फिर नीचे स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये एज्यूम करें कि वो जो बाहर मैस पड़ा हुआ था वो सरफेस के ऊपर भी नहीं बल्कि शेल के अंदर पड़ा हुआ है, मैस लाइज इन साइड द शेल, तो फिर सारी डेरिवेशन वही होगी, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी? लिमिट्स। यानी अब मैस अंदर पड़ा हुआ है तो अब हमने एक ये वाली लिमिट है और एक ये वाली लिमिट है, ये वाली लिमिट्स हमने अप्लाई करनी है। अगर आप गौर करें, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है कैपिटल आर। स्मॉल डिस्टेंस कितना है? ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर ये वाला डिस्टेंस है जो सेंटर का एम से फासला है। अब जो लिमिट होगी, एक तो डिस्टेंस हमने लेना है ये वाला, और दूसरा डिस्टेंस लेना है ये वाला। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये वाला डिस्टेंस आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पहले था स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और अब लिमिट चेंज हो गई है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इस तरह से सिर्फ लिमिट्स आपने चेंज की हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो आ जाएगी। इसका मतलब है स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर अगर कहीं किसी पॉइंट पे कोई छोटा सा मास आ जाए तो उस छोटे से मास के ऊपर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट वुड बी ज़ीरो। तो ये था आपका आज का टॉपिक। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन फिर भी आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप एक एक पॉइंट को गौर से देखें। जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, थोड़ा लेंथी था लेकिन फिर भी आप इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप गौर से देखें तो।